नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल VS Education Hub में। इन दिस वीडियो इंग्लिश वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड द हिंदू एडिटोरियल्स आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ओके, प्लीज अंत तक देखिएगा वीडियो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, और जनरल नॉलेज के लिए भी आर्टिकल्स बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी एग्जाम्स हो, लाइक दैट बैंक हो, SSC हो, RRB हो, रेलवे हो, UPSC हो, एस्पेरेंट्स भी इसको देख सकते हैं, SBPE हो, जो भी बच्चे प्रिपरेशन स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इनको देख सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन द सेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, लेट्स बिगिन द सेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, टुडेज मोटिवेशन कोड, टुडे मोटिवेशन कोड, डोंट वेस्ट अ गुड मिस्टेक, लर्न फ्रॉम इट, लर्न फ्रॉम इट। डोंट वेस्ट अ गुड मिस्टेक, कोई भी गलती हो उसको मिस्टेक मत, कोई भी गलती हो उसको वेस्ट मत जाना दो, व्यर्थ मत जाने दो, उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है आपसे। कोई भी गलती आपसे हमेशा के लिए सीखना ही, हमेशा उस गलती से सीखते ही हैं। ओके, कोई भी गलती को वेस्ट मत जाने दो, व्यर्थ मत जाने दो, गलती तो होगी, इंसान है, इंसान से गलती तो होगी, तो उस गलती को हमेशा के लिए सीखने के पर्पज पर करिए। गलती होगी ये बेस्ट है, गलती होनी भी चाहिए, जो करेगा वो गलती भी करेगा, जो नहीं करेगा वो बैठा ही रहेगा, कुछ करेगा ना, उससे गलती होगी ना, उससे अच्छा होगा ना, उससे बुरा होगा ना, वो कुछ सीखेगा। जो करेगा वो गलती भी करेगा और कुछ सीखेगा भी। ओके, आर्टिकल्स टुडे इज वन आर्टिकल्स आर बेस्ट एंड अदर आर्टिकल आर पॉलिटिकल्स बेस्ट, तो मैंने लिया नहीं, ये आर्टिकल्स मेरे को अच्छा लगा तो मैंने ये लिया है। मैं थोड़ा ब्रीफ में सिनॉप्सिस दे दूँ इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल्स आर सेइंग इज एवरी ड्रॉप्स मैटर, एवरी ड्रॉप मैटर, द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मस्ट बी रिफॉर्म्ड टू एंश्योर एक्सेस टू सेफ एंड सफिशियंट ब्लड। ब्लड बैंक के बारे में बताया, ब्लड बैंक है। ओके, ब्लड जो भी है आपको रिमेम्बर होगा, आई रिमेम्बर दैट, आई थिंक रिमेम्बर होगा आपको कि 2016 में एक छत्तीसगढ़ स्टेट में एक महिला की मृत्यु हो गई थी, महिला की मृत्यु हो गई थी, उसमें डाइड हो गई थी, उसमें ब्लड की कमी के कारण उसकी डेथ हो गई थी। तो आर्टिकल्स में राइटर कहना चाहता है कि इतने ब्लड बैंक, इतनी यूनिट अपने प्रोडक्शन तो क्या गए हैं, इतनी यूनिट, 1 पॉइंट मिलियंस यूनिट, ये रहा 1 पॉइंट मिलियन यूनिट है, शॉर्ट शॉर्ट इट्स ब्लड रिक्वायरमेंट, 1.1 मिलियन यूनिट्स ब्लड रिक्वायरमेंट है अपने 2015-16 डाटा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द राइटर। ठीक है, राइटर के बेस पर 1.1 मिलियंस यूनिट्स, ध्यान से समझिए, यूनिट्स शॉर्ट द इट्स ब्लड रिक्वायरमेंट, लेकिन उस महिला की मौत हो गई 2.8 मिलियंस। आप ये डाटा आपके 2.8 मिलियंस यूनिट्स डाटा एक्सपायर्ड, ऐसे ही चला गया, ऐसे ही गया, ब्लड कोई काम का नहीं रहा, यानी कि 6 लाख लीटर। ओके, 6 लाख लीटर ऐसे ब्लड एक्सपायर्ड हो गया, कोई काम का नहीं रहा, ना किसी का आ सकता है ना किसी। तो राइटर कहना चाहता है इतने ब्लड बैंक ऐसे गवर्नमेंट को इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, कोई भी सॉल्यूशंस हो प्रॉब्लम्स को, तो जैसा कि आपको पता ही है, एक्ट बनाया हुआ है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, 1940 में एक एक्ट बना था, उसके बेस पर गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज गाइडलाइन अथॉरिटीज ये सब दुरुस्त करके इस मैटर को सॉल्यूशंस पर बेस पर ले जाना चाहिए। क्या क्या एक्ट है, क्या क्या है ब्लड के बारे में, क्या क्या उस पॉलिसीज में निर्णय लेना चाहिए, उसको एक्ट को दुरुस्त करना चाहिए। ओके, कोई भी डेड ना हो, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हो ब्लड की कमी से इस कारण। ओके, लास्ट एंड ब्रिफ्स, इसका सिनॉप्सिस ये देखो, ये सिनॉप्सिस है, कॉम्प्रिहेंसिव मेन 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 बातें बताती मैंने आपको। फर्स्ट है, द एम ऑफ द नेशंस बर्ड पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट बैक इन 2002 वाज टू एंश्योर इजीली एक्सेसिबल्स एंड एडिक्यूट सप्लाई ऑफ सेफ क्वालिटी ब्लड टू अचीव दिस गोल्स। इंडिया शुड लुक टू रिफॉर्मिंग्स इट्स रेगुलेटरी अप्रोच एट द अर्लीस्ट।
इसका जल्द से जल्द सॉल्यूशंस करना चाहिए किसी की गलती के। अगर आपने भी ब्लड लाइफ टाइम में ऑल ओवर लाइफ टाइम में अपने एक बार तो वन टाइम्स तो ब्लड डोनेट करना ही चाहिए। ओके, यही आर्टिकल का सार है। नेक्स्ट वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स हैं आपके एग्जाम्पल से, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है फर्स्ट अप्रोच, फर्स्ट वीड, सॉर्डेड। सॉर्डेड सॉर्डेड यानी कि अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट या घिनौना कह सकते हैं। सॉर्डेड का मतलब हिंदी में द स्टोरी पॉइंट्स अ सॉर्डेड पिक्चर्स ऑफ ड्राइव्स एंड स्कीम्स। ओके, सेकंड में प्रॉस्पर, बहुत अच्छा वर्ड है प्रॉस्पर। थर्ड भी है सक्सेस यानी सक्सेसफुल, सफल होना, समृद्ध होना, समृद्ध कह सकते हैं प्रॉस्पर। ही बिजनेस हिज बिजनेस प्रॉस्पर्ड, योर बिजनेस इज प्रॉस्पर्ड। ओके, स्कटल स्कटल हैसेंट ब्रिक एत्रिव, हिंदी में कैसे यूज करती हूँ। ओके, आई हियर द स्कटल्स ऑफ रेट्स अक्रॉस द रूम्स, अक्रॉस द रूम्स तीव्र तेजी गति से, शीघ्रता से दौड़। आइसोलेशन आइसोलेशन यानी कि सॉलिट्यूड, आइसोलेशन यानी कि सॉलिट्यूड अलग कह सकते हैं हिंदी में, अलग करना। द आइसोलेशन ऑफ अदर ओल्डर पीपल्स, स्टीयर एजिटेशन या कमोशंस, कमोशन स्टीयर्स हलचल कह सकते हैं, बेचैनी कह सकते हैं हिंदी में। आई स्टूड एग्जाम्पल्स, कोई भी आप भी कोई भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं इजी लैंग्वेज में या डिफिकल्ट लैंग्वेज में, आपके अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। स्टिकर्स आई स्टूड स्टैंडिंग आईज एंड ईयर्स फॉर द फैनेस्ट स्टीयर। पल्पिट, बहुत अच्छा वर्ड पल्पिट, आई लाइक वर्ड पल्पिट यानी प्लेटफॉर्म स्टेज, जो कि मंच हिंदी में कहते हैं, मंच मंच होता है उसको प्लेटफॉर्म कहते हैं या स्टेज कहते हैं। पल्पिट एक आज नया वर्ड है जो कि मेरी तरफ से, नया वर्ड है पल्पिट। ओके, नरेंद्र मोदी गिव योर स्पीच अ ब्यूटिफुल पल्पिट, मंच पर। एटीन्यूएट यानी वीकर समथिंग, कमजोर या दुर्बल कह सकते हैं। एटीन्यूएट हर इंटॉलरेंस वॉज एन एटेन्यूएट बाई अ रादर अनएक्सपेक्टेड लिबरलिज्म। वेनरेबल्स, वेनरेबल्स यानी कि रेस्पेक्टेड, इज्जत, आदरणीय कह सकते हैं। एक होता है वल्नरेबल्स, एक होता है वेनरेबल्स। वेनरेबल्स वल्नरेबल्स यानी कि चपेट में जो भी कोई भी साइक्लोन है उसकी चपेट में क्या क्या है, तो उसके बेस पर वल्नरेबल्स का प्रयोग होता है। वेनरेबल्स यानी कि रेस्पेक्टेड या आदरणीय, इज्जत। वल्नरेबल स्टेटमेंट्स बाय नरेंद्र मोदी इन लोकसभा। फैसिलिएशन फैसिलिएशन डाउट्स या भ्रम या डिल्यूजन्स। ओके, देयर आर सर्टेन फैसिलिएशन फैलेसीज फैलेसीज अबाउट पीएम किसान स्कीम, पीएम किसान स्कीम से बारे में बहुत सारे डाउट है बहुत से लोगों के मन में। इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्ट्राइक अ नोट, कॉल टू माइंड, स्ट्राइक अ नोट, अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्ति करना। सेंग्रीड बैंक ऑन आशा से, आशा होना किसी, बैंक ऑन आशा करना किसी से, डिपेंड ऑन निर्भर रहना। इन लियू ऑफ इंस्टेड ऑफ किसी की जगह पर। फोर्थ है अटैक, टैक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, अच्छी अच्छी इडियम्स हैं। टैक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, कॉपी समथिंग यानी किसी की कॉपी करना, किसी की बुक में से निकाल के पेज या पढ़ना, किसी की बुक से कोई भी राइटर हो उसकी बुक से निकाल के पेज को पढ़ना, तो टैक्स अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, कॉपी करना उसके जीवन में उतारना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर प्लीज़, सब्सक्राइब द वीडियो एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अच्छे अच्छे वीडियो को देखिए, फिर लाइक कीजिए, फिर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप आईबी स्टूडेंट हैं, आईबी स्टूडेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि 17 को पेपर है, तो मैंने जीके के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन 4 से 5 वीडियो अपलोड कर दिए, लगभग 100 ऑफ क्वेश्चन हैं। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ आके देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।